किसान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर कल से 3 दिन के क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हुए हैं। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने दिए जाने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने समेत दीगर मांगों को लेकर लगातार सोनम वांगचुक का एहतजाज जारी है। इससे पहले सोनम वांगचुक ने 6 मार्च 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट शुरू किया था जो 27 मार्च को खत्म हुआ। इसके बाद खवातीन के जरिए अनशन शुरू किया गया था। बता दें कि अपनी मांगों को नया रुख देने के लिए उन्होंने 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LSC से लगे इलाके में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं और ऐसे में लगातार वो मरकजी सरकार से अपनी मांगों को पूरा किए जाने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि सोनम वांगचुक की तरफ से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है और ऐसे में अब इस बार उनकी तरफ से मार्च निकालने का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने की बात कही गई है और ऐसे में हजारों लोगों के शामिल होने की उसमें उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले खवातीन की तरफ से प्रदर्शन को जारी रखा गया था और उससे पहले सोनम वांगचुक ने खुद 21 दिन का अनशन हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद से एक बार फिर अब सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को जारी किया है और इसी के साथ साथ बड़ा मार्च निकालने की भी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि LSC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने की तैयारी की गई है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है और एक बार फिर से सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ चुके हैं और लगातार सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। और बता दें कि उनके साथ साथ उनके समर्थक भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो उनका अनशन है वो जारी होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान सोनम वांगचुक की तरफ से किया गया है, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LSC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने की तैयारी पूरी कर ली है और उसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो उनके समर्थक है वो भी उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और ऐसे में लगातार वो अपनी मांगों को लेकर मरकजी सरकार से मांग कर रहे हैं और बातचीत करने का पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि एक बार फिर से सोनम वांगचुक अपने अनशन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये 3 दिन तक जारी रहेगा।